सूर्योदय में एक प्रहर से भी कम का समय बचा है, मुझे शीघ्र ही जल स्रोत तक पहुंचना होगा। मैं परीक्षा में सफल हुआ गुरुदेव। ये जल प्रवाह पुनः क्यों रुक गया? हे महादेव, कुछ ही पल शेष और अभी भी अवरोध है, क्या करूं? मैंने जल मांगा था बालक। गुरुदेव, न बहता जल कभी रुका है और ना ही कर्ण कभी रुकेगा। मैं भी जल की ही भांति हटी जो अपना मार्ग निकाल ही लेता है। आप मेरे मार्गदर्शक बने। उसके लिए अभी दो लक्ष्य शेष हैं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा दूसरा लक्ष्य क्या है? मुझे आम चाहिए। तुम्हें इस कार्य को करने के लिए केवल और केवल एक सप्ताह का समय है। क्या एक आम? एक सप्ताह क्यों गुरुदेव, मैं आज ही आपकी सेवा में आम प्रस्तुत करता हूं, बल्कि अभी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियम तो सुनते जाओ। पहला, मुझे वो आम चाहिए जो अपने आप डाल से अलग हो और भूमि पर ना गिरे। भूमि पर गिरने से पहले तुम्हें उस आम को लपकना होगा। और दूसरा, वृक्ष को छूना और उसे किसी भी प्रकार से हिलाना निषेध होगा। समझ में आया? जी। और निश्चित रूप से तीसरा नियम यह होगा कि मुझे धनुर्विद्या का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात इस वानर में भी तनिक बुद्धि है। अब खड़े होकर मेरा मुख क्या देख रहे हो? कुछ दिनों में आम की ऋतु समाप्त हो जाएगी। यदि तुमने मुझे आम लाकर नहीं दिया तो अपना मुख मेरे समक्ष मत लाना। ये भी कोई परीक्षा हुई? बस एक आम लेकर आना है, मैं आज ही प्रस्तुत कर दूंगा। कैसे
कैसे एकलव्य ने केवल अभ्यास से शब्दभेदी कला प्राप्त की। यदि उसने प्राप्त की तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। प्रणिपात गुरुदेव। अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अर्जुन बैठो, क्षणभर विश्राम करो, क्योंकि निद्रा और थकान तुम पर हावी हो रही है। नहीं गुरुदेव, आपने कहा था ना, क्या अंधकार मेरी सीमा है? जब अंधकार मेरी सीमा नहीं बन सकती, थकान और निद्रा भी मेरी सीमा नहीं बन सकती गुरुदेव। मुझे बस और अधिक अभ्यास करना। नहीं अर्जुन, तुम स्वयं पर दबाव डाल रहे हो, और ये सत्य है कि निश्चित रूप से दबाव मनुष्य को कठोर और श्रेष्ठ बनाता है, परंतु सीमा से अधिक दबाव मनुष्य को तोड़ देता है, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें केवल इतना करना है अर्जुन। नहीं गुरुदेव, आप मत बताना। यदि एकलव्य अपने परिश्रम से शब्द वेदी बाण चलाना सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता गुरुदेव? अवश्य सीख सकते हो। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में अधिक जल नहीं समा सकता, उसी प्रकार भरे हुए मन में ज्ञान नहीं समा सकता। तुम्हें सर्वप्रथम अपने मन को खाली करना होगा, और जिस दिन तुम्हारे भीतर के स्वर तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाए, उस दिन तुम शब्द भेदी बाण चला सकते हो। बस प्रतीक्षा करो क्षण की। अर्जुन, स्मरण रहे कि तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रण मैंने लिया, और मैं बना के रहूंगा। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने चला और यहां वानरों की तरह डाल से टूटे आम लपकने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आभास कैसे हुआ कि एक और आम गिरने वाला है? जब आम डाल से टूटता है तब एक नाद होता है, अस्पष्ट ही सही, परंतु कंपन से एक स्वर उत्पन्न होता है। मुझे टूटकर गिरते हुए आम के स्वर को समझना होगा। मैं सफल हुआ, मैंने कर दिखा। गुरुदेव, राधा भीम, अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। पर कोई प्रश्न नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अपनी गदा मेरी ओर फेंकिए। दुशासन, लगता है अर्जुन निराश होकर आत्महत्या करना चाहता है। मैं भेद समझ गया राजा भीम, मुझे गुरुदेव से मिलना है। कहाँ है गुरुदेव? कुछ समय पूर्व मैंने उन्हें वन की ओर जाते हुए देखा। वन की ओर? इस समय क्यों?
देखिए, बिना बाण या बल का उपयोग किए मैंने उन्हीं नियमों के साथ इस फल को प्राप्त किया है जो आपने बताए थे। तीसरी चुनौती सुनो कर्ण। गुरुदेव, तीसरी चुनौती धनुर्विद्या की होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरुदेव, यदि परीक्षा लेनी ही है तो मेरे लक्ष्य संधान की लीजिए। इस भांति विचित्र परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं जो किसी काम की नहीं। यदि तुम्हें अपनी धनुर्विद्या पर इतना गर्व है तो मेरे पास सीखने की याचना लेकर क्यों आए। यदि मुझसे ज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें प्रारंभ से आरंभ करना होगा। मेरे साथ तुम्हारी यात्रा श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक होगी। दैत्य की माया को समझकर, जल प्रवाह के अविरोध को हटाकर और राम लाकर तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में अपनी योग्यता का परिचय दिया है, परंतु लक्ष्य भेदने में तुम कितने सक्षम हो यह जानना भी शेष है। तीसरी चुनौती बताइए प्रभु। तीसरी चुनौती ये गतिमान पत्थर, तीन नियम। इस गतिमान पत्थर को भेदना है तुम्हें। दूसरा, केवल तीन प्रयास में। और तीसरा, धनुर्विद्या के ज्ञान से। मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। मात्र दो अवसर कौन। अंतिम अवसर कर्ण, अंतिम। यदि इस बार तुम अपना लक्ष्य नहीं भेद पाए तो तुम मेरे शिष्य बनने से वंचित रह जाओगे। कर्ण कहते हैं, क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। पहली बार तुमने क्रोध का सही दिशा में उपयोग किया है। उठो कर्ण, समय आ गया है तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ होने का। राधे कर्ण। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा। क्या सत्य ही आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है? हाँ एकलव्य, मैंने तुम्हारा कौशल्य देखा एकलव्य। यूं समझो कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूं। गुरु याचना नहीं करते गुरुदेव, आदेश कीजिए।
ये एकलव्य आपके सेवा में क्या प्रस्तुत करे? गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। क्यों भय लग रहा है एकलव्य? नहीं गुरुदेव, भयभीत नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा था कि आपने इतनी तुच्छ वस्तु मांगी। आदेश करके देखते गुरुदेव, एकलव्य अपना सर काट के आपके चरणों में रख देता। दक्षिणा देकर मैं धन्य हुआ और गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त हुई। जिसने मुझे देव की तरह पूजा और मैंने असुर के भांति उसकी तपस्या को भंग कर दिया। राज धर्म निभाने के लिए गुरु धर्म के साथ छल किया है इस द्रोण ने, और मेरे इस जघन्य अपराध के लिए इतिहास इस द्रोण को कभी क्षमा नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद प्रभु, चौमासा बीतने को है परंतु आकाश से एक बूंद जल नहीं गिरा। यदि अब भी वर्षा न हुई तो महाकाल पड़ेगा। आपके आश्रम में हर ओर हरियाली है, त्रिशूल वर्षा हुई है, परंतु आपके आश्रम की सीमा से परे एक भी बूंद नहीं गिरी। पर सोचिए प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कोप न सहना पड़े इसलिए आपके आश्रम में वर्षा, और इन निरीह निर्बल प्रजाजनों के लिए अकाल, ऐसा कौन कर सकता है प्रभु? देवराजेंद्र? हाँ प्रभु, वो चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त किसी और आराध्य की सेवा न की जाए। प्रभु मदद करो, प्रभु मदद करो, मदद करो। आपके परशु के बल से तो तीनों लोग कांपते हैं प्रभु। आप ही हैं जो इंद्र भगवान को मार्ग पर ला सकते हैं। मैं शपथ ले चुका हूँ, मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो क्या इंद्रदेव की मनमानी चलती रहेगी? मैंने ऐसा नहीं कहा। देवराज का अहंकार टूटेगा और अवश्य टूटेगा। देवराज को कर्तव्य का पाठ अवश्य पढ़ाया जाएगा, परंतु गुरु परशुराम के वचनों से नहीं, बल्कि एक शिष्य के बाणों से। समय आ गया है संग्राम का। मेरी शिक्षा के परिणाम का शताब्दियों से संचित परात बल से अर्जित मैंने अपने सारे ज्ञान को एक ही पात्र में उड़ेला है। तब से थपाया है मैंने उसे।
गंगा पुत्र भीष्म और द्रोण लोह से कुंदन बनाया है मैंने। समय आ गया है मेरे इस शिष्य की अंतिम परीक्षा। ये निर्धारित करने का कि मैंने सुपात्र चुना है या नहीं। लोह से कुंदन बनाया है या नहीं। मेरी शिक्षा से मां योद्धा बना है या नहीं। इंद्र को जगाना है तो इंद्रधनुष बनाना होगा। करके आज तक देवराज का आह्वान बहुतों ने किया, किंतु रुष्ट कर तेरा आह्वान करने वाले उदंड कौन हो तुम? कर्ण, 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 कर्ण। राधे कर्ण।